हेलो नमस्कार दोस्तों, एसबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो आप है वो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो बताइए, राजस्थान में है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपके ऑप्शन ए में है पिछोला, बी में फतेह सागर, सी में जयसमंद या फिर डी में राजसमंद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जयसमंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जयसमंद झील है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए में है जयपुर, बी में है जोधपुर, सी में उदयपुर या फिर डी में है राजसमंद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है सी, उदयपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सी झील है जिसके एक टापू पर है वो आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? आपके ऑप्शन ए में है डीडवाना, बी में है सांभर, सी में है जयसमंद या फिर डी में है राजसमंद। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, जयसमंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान के किस जिले में है वो पलाया झील है? तो आपके ऑप्शन ए में है कोटा, बी में जैसलमेर, सी में उदयपुर या फिर डी में भरतपुर। तो सोचिए अपना जल्दी से आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है बी, जैसलमेर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सी है वो खारे पानी की झील नहीं है? आपके ऑप्शन ए में है सांबर, बी में पंचभद्रा, सी में कायलाना या फिर डी में लूणकरणसर। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। तो देखिए, ए सांबर है वो खारे पानी की है, पंचभद्रा भी खारे पानी की है, कायलाना मीठे पानी की है और लूणकरणसर भी खारे पानी की है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी, कायलाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर है वो नटनी का चबूतरा स्थित है? आपके ऑप्शन ए में है जयसमंद, बी में नक्की, सी में पिछोला या फिर डी में सांबर। तो जल्दी से अपना राइट आंसर है वो कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, पिछोला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? आपके ऑप्शन ए में है फतेह सागर, बी में है सिलिशेड, सी में नक्की या फिर डी में पुष्कर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, पुष्कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वह कौन सी झील है जिसके तट पर है वो संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है? आपके ऑप्शन ए में है राजसमंद, बी में है जयसमंद, सी में पिछोला या फिर डी में फतेह सागर। तो इसका जल्दी से अपना आंसर है वो बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, राजसमंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सी है वो खारे पानी की झील नहीं है? तो आपके ऑप्शन ए में है पंचभद्रा, बी में है डीडवाना, सी में कोलायत या डी में कावोद। तो जो इसका राइट आंसर है वो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, कोलायत। कोलायत है वो मीठे पानी की झील है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राजसिंह ने कब करवाया? तो जो राजसमंद झील है उसका निर्माण महाराणा राजसिंह ने कब करवाया? आपके ऑप्शन ए में है 1692, बी में है 1680, सी में है 1031 या फिर डी में है 1648। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है बी, 1680। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलायत झील स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कोलायत झील है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए में है बीकानेर, बी में जोधपुर, सी में बाड़मेर या फिर डी में जैसलमेर। तो जो कोलायत झील है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेव सागर झील किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जो गेव सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए में उदयपुर, बी में बांसवाड़ा, सी में प्रतापगढ़ या फिर डी में डूंगरपुर। तो इसका उत्तर बताइए जल्दी से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, डूंगरपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलिशेड झील किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जो सिलिशेड झील है वो किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन ए में है चित्तौड़गढ़, बी में राजसमंद, सी में उदयपुर या फिर डी में अलवर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, अलवर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो, आना सागर झील है उसका निर्माण है किसने करवाया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए में अर्णोराज, बी में पृथ्वीराज, सी में राजसिंह, या फिर डी में है वो जयसिंह। तो जो आना सागर झील है उसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है? तो राजस्थान में है वो सबसे अधिक नमक उत्पादित कौन सी झील से होता है? आपके ऑप्शन ए में है लूणकर्णसेन, बी में है पंचभद्रा, सी में फलोदी, या फिर डी में है वो सांबर। तो जो इसका राइट आंसर है वो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, सांबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? तो बताइए जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? आपके ऑप्शन ए में है अरब सागर, बी में है हिंद सागर, सी में है टैथित सागर, या फिर डी में है वो प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, टैथित सागर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भुज झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भुज झील है वो कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन ए में है धौलपुर, बी में है जालौर, सी में जैसलमेर, या फिर डी में उदयपुर। तो जो भुज झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, जैसलमेर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील सिरोही जिले में है? तो बताइए इनमें से कौन सी झील है वो सिरोही जिले में है? आपके ऑप्शन ए में है भुज, बी में है गेव सागर, सी में है सुर सागर, या फिर डी में है नक्की। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। तो जो सिरोही जिले में स्थित है वो कौन सी झील है? नक्की झील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए में है जयपुर, बी में है जोधपुर, सी में नागौर, या फिर डी में बाड़मेर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस झील पर सौर वेद्यशाला स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर वेद्यशाला किस झील पर स्थित है? तो ये आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। आपके ऑप्शन ए में फतेह सागर, बी में सांबर, सी में जयसमंद, या डी में राजसमंद। तो इसका राइट आंसर है वो कमेंट कीजिए।